ये है कि मैं 1.5 साल तो ये चर्च नाल जुड़ी हुई हाँ। तो मेरे मतलब कि भी दर्द होंदा हुंदा सी, जदों भी मैं चर्च आउंदी सी मीटिंग च मेरे उदों भी पेट च इस तरह कोई चीज़ घूमन लग जाती हुंदी सी, मेरे दर्द होण लग जांदा हुंदा सी। वैसे मैं सही रहिंदी सी, जदों मैं चर्च आया हाँ तो पापा जी बीमारियां डांटना पेट बीमारियां तो मेरे पेट च कुछ घूमन लग जाता होंदा सी। मैं पापा जी को दस्सिया, मैं कहा पापा जी इस तरह करके भी मेरे पेट च कुछ घूमता है तो मेरा पेट फुल जाता है जो मतलब तुसीं डांटदे आ पेट दीयां बीमारियां। पापा जी ने कहना कोई गल नहीं बेटे, घबराउणा नहीं, तुसीं फ्री हो रहे आ। तो कल मेरे इन्ना ज़्यादा दर्द होंदा सी ना, बहुत ज़्यादा दर्द होंदा सी, इन्ना दर्द होंदा सी भी सहन तो भी बाहर सीगा। तो मैं मैडिसन भी मंगाई तो मैंने मैडिसन खाधी, मैं 2 खुराक खा लिया, मेरे कोई फर्क नहीं पिया, बिल्कुल भी मेरे दर्द नहीं हटिया। तो कल मैं सुबह के टाइम पापा जी को फोन लाया, मैं पापा जी कहा मैं पापा जी इस तरह करके मैं सारी गल दसी, मैं पापा जी भी मेरे दर्द बहुत हो जाता है तो भी मैडिसन भी नहीं मैंने कोई फर्क नहीं पिया। तो मैं कही मैं मम्मा तो प्रेयर भी कराई सी तो थोड़ा जहा टाइम फर्क पिया, उस बाद फिर उमें दर्द होने लग गया। पापा कहते बेटे कोई गल नहीं, घबराना नहीं गा, तो फ्री हो रहे हैं। तो पापा जी ने मैं पापा जी तुसीं मेरे प्रेयर कर दो भी मेरे दर्द बहुत हो रहा है। पापा जी ने जिवें मेरे प्रेयर की, पापा जी कहते इस तरह करो बेटे तुसीं ना प्रार्थना करन पै जाओ हुण तुसीं, तो कोई गल नहीं तुसीं ठीक हो जाओगे। मैं उस टाइम प्रार्थना करन पै गई तो एकदम प्रार्थना करती करती तो मेरे वॉशरूम का इन्ना प्रैशर बनिया। तो जदों मैं वॉशरूम गई तो मतलब मेरे रसौली निकली ते मैं मेरे सिस्टर नूं आवाज़ लगाई, मैं क्या जल्दी जल्दी आ परविंदर भी इस तरह करके इन्हें जल्दी जल्दी फोटो ले ली। मैं फिर आके जिमें पई उस टाइम 20 मिनटा बाद ही फिर मेरे इन्ना वॉशरूम का इन्ना प्रैशर बनिया, मैं फिर गई, फिर मेरी एक रसौली निकली तो मैं मेरे सिस्टर ने फिर आवाज़ लगाई, मैं क्या जल्दी जल्दी आवा कि इन्हें फोटो कर ली। तो उस टाइम मैं मम्मा को फोन ला के दस्या, मम्मा ने धन्नवाद किया भी बेटे तुसीं फ्री हो गए हैं। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्नवाद करती हाँ भी इस रोग तो परमेश्वर ने मैनूं आजाद किया। मैनूं पापा जी भी मैनूं 1.5 साल का चर्च नाल जुड़ी नूं हो गया तो उस तों पहलां नहीं हुंदा सीगा। यानी कि तुसीं स्कैन कराई, स्कैन दे विच कुछ नहीं। हाँ जी बाबा जी ओंदे सा बाबा जी मैं स्कैन कराई सी, स्कैन च मेरे पेट में सोज नहीं आई सी, वो कहंदे सी भी कोई गल नहीं तुसीं ठीक हो जाओगे, थोड़े पेट में सोज ना। हाँ जी स्कैन च कुछ नहीं सी आया। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਈ ਤੇ परमेश्वर ने मैंने उस रोग तो आजाद कर दिता सी। प्रभु ने बड़ी सारी बहुत तारीफ की। रसौली दर्द तो कढ़ानी में कि निकलेगी। थैंक यू जीजस, मैं परमेश्वर का इस गवाही लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दास का भी धन्यवाद करती हूँ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।